बच्चों आज हम पढ़ेंगे ग्रीन केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। बेसिकली ग्रीन केमिस्ट्री है क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जब ग्रीन केमिस्ट्री का नाम आता है तो केमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है। केमिस्ट्री बेसिकली है क्या है? केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर एंड द चेंजेस दैट कैन अंडरगो, इसको केमिस्ट्री कहा जाता है। केमिस्ट्री की जब हम बात करें तो हमारे माइंड में ड्रग्स आती हैं, मेडिसिन्स आती हैं, प्रेस्टेट्स जो लैब वाले हैं हमारे पास, सल्फ्रिक एसिड और ये एसिड्स और दूसरे बेस, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। जितनी भी चीज़ें हमारे अराउंड हैं अगर हम उनको देखें, उनमें से 97% जो है वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। ऑलमोस्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, जो हम पहनते हैं, जो हम टच करते हैं, जो हम मार्केट में खरीदने जाते हैं और जो और हम जो सांस लेते हैं, इट ऑल डील्स विद द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जब होती हैं वहाँ पे, मतलब पर्टिकुलर डिज़ायर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए उसके बहुत सारे उसके साथ साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं। वो साइड प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो पॉल्यूट करते हैं इन्वायरमेंट को, जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 1 kg वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए देयर इज प्रोडक्शन ऑफ 25 to 100 kg ऑफ वेस्ट, मतलब 25 से 100 kg वेस्ट प्रोड्यूस होता है विच इज मोस्ट ऑफ टॉक्सिक। ये जो बाय प्रोडक्ट, ये जो वेस्ट 25 से 100 kg बन रहा है, इट पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट, इट इज नॉट इको फ्रेंडली, ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री का कंसेप्ट लाया गया इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए, यूनाइटेड स्टेट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1990 ने कोशिश की के कुछ ऐसे प्रोसेसेस मैन्युफैक्चरिंग के रीइन्वेंट किए जाएं जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाए। ऐसे वेज ढूंढे जाएं, ऐसे चीज़ें ढूंढी जाएं जिससे एनर्जी कम यूज़ हो, पॉल्यूशन जो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है वो कम होता जाए। 1991 में ग्रीन केमिस्ट्री का कॉइन टर्म जो है दी गई। उसके 1992 में यूनाइटेड स्टेट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट ने कोलैबोरेट किया यूनाइटेड स्टेट नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ टू स्टार्ट द वर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मतलब जो है काम करने की, मतलब उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए दोनों ने कोलैबोरेट करके एक दूसरे के साथ, ताकि जो है इस पॉल्यूशन, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, इसको कम से कम किया जाए, इसको रिड्यूस किया जाए या इसको ख़त्म किया जाए, कुछ ऐसे वेज ढूंढने जाएँ जिससे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँ। इबुप्रोफिन जो एक पेन किलर है, ये 1993 में जब इसको जाके मतलब ग्रीन वे ढूंढा गया कि इसको मतलब मैन्युफैक्चर करने का, इससे पहले जो है ये काफ़ी इसे जो मतलब काफ़ी साइड प्रोडक्ट्स इसकी प्रोडक्शन में जो है काफ़ी साइड प्रोडक्ट्स का जो है प्रोड्यूस होते थे। तो ग्रीन केमिस्ट्री जो है इट इज़ बेटर फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट, इट इज़ सेफ एंड इको फ्रेंडली वे टू डिज़ाइन द प्रोडक्ट्स। अगर हम इस चीज़ को लेके चलें, माइंड में लेके चलें ग्रीन केमिस्ट्री के कंसेप्ट को, तो हम मतलब पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन जितना भी पॉल्यूशन है हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री जो है इट सपोर्ट्स द इन्वायरमेंट, इट इज़ इको फ्रेंडली, यूज़ ऑफ केमिस्ट्री फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन बाई मीन्स ऑफ प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री से मतलब ये चीज़ जो प्रिवेंशन मेन मकसद ही था एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कम करने का, तभी ये जो कंसेप्ट है ग्रीन केमिस्ट्री का लाया गया। पॉल एनेस्टस और जॉन वार्नर ने ग्रीन केमिस्ट्री को इस तरह से डिफाइन किया है, ग्रीन केमिस्ट्री इज़ द डिज़ाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस दैट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज एंड जनरेशन ऑफ हैजर्डस सब्सटेंसेस। हैजर्डस सब्सटेंस का जनरेशन या उसका इस्तेमाल को कम किया जाए या उसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए, ऐसे प्रोसेसेस डिज़ाइन किए जाएं जिससे जो है ये हैजर्डस सब्सटेंसेस का जो जनरेशन है, जो इस्तेमाल कम हो जाए, दैट इज़ दैट डील्स विद द ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री जो है पॉल्यूशन को प्रिवेंट करता है एट द मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल पे मतलब इसको प्रिवेंशन के तरीके ढूंढता है, और ग्रीन केमिस्ट्री आज के टाइम में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट शो करती है टुवर्ड्स द इम्प्लीकेशन टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। ग्रीन केमिस्ट्री के जो है
It supports the invention of more eco-friendly prochemical processes, which reduce or can eliminate the generation of hazardous substances. Paul Anastas को फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री कहा जाता है. ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट और प्रोफेसर था, साइंटिस्ट और प्रोफेसर है, अभी काम कर रहा है, विच इज डायरेक्टर ऑफ येल यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर ग्रीन केमिस्ट्री एंड ग्रीन इंजीनियरिंग. इसको फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इसलिए कहा गया क्योंकि इसने डिज़ाइन किया मतलब नॉन हैजर्डस एनवायरनमेंट फ्रेंडली केमिकल्स जो डिज़ाइन किए उसके बेस पे इसको फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री कहा जाता है. ही इज आल्सो नोन एज ए चैम्पियन फॉर सस्टेनेबल साइंस और एंड इनोवेशन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. इसके लिए इसको चैम्पियन माना जाता है. ग्रीन केमिस्ट्री है क्या? ग्रीन केमिस्ट्री बेसिकली मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट एज सोर्स पे वेस्ट को कम से कम करना, यूज ऑफ कैटालिसिस इन प्लेस ऑफ रिएजेंट्स, कैटालिस्ट का इस्तेमाल करना, यूज ऑफ नॉन टॉक्सिक रिएजेंट्स, यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इम्प्रूव्ड एटम एफिशिएंसी, यूज ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली सॉल्वेंट सिस्टम्स. ये जो है बेसिकली ग्रीन केमिस्ट्री पूरा इस पे फोकस है. मिनिमम वेस्ट को मिनिमम करना, कैटालिस्ट को इस्तेमाल करना रिएजेंट की जगह, नॉन टॉक्सिक रिएजेंट अगर यूज़ करने तो नॉन टॉक्सिक यूज़ करने हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उसका इस्तेमाल करना है, एटम एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है और एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करना है. ग्रीन केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए जो है काफ़ी लिटरेचर, आज के टाइम में काफ़ी लिटरेचर अवेलेबल है. देर आर मैनी वेबसाइट्स विच यू कैन गो थ्रू. एक जर्नल है ग्रीन केमिस्ट्री के नाम से, विच इज़ पब्लिश बाई RSC रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री जो पब्लिश करता है. इट इज़ फुली फोकस्ड ऑन वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. उस पर काफ़ी आपको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ जो है आपको लिटरेचर अवेलेबल मिल जाएगा. उसके अलावा जो है ACS ग्रीन केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट ने भी काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं ग्रीन केमिस्ट्री को प्रमोट करने के लिए. उसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें ग्रीन केमिस्ट्री, एक बुक है पॉल अनास्टस की, उसको आप पढ़ सकते हो, पढ़ा जा सकता है. ग्रीन केमिस्ट्री कोई सॉल्यूशन तो नहीं है सारी प्रॉब्लम्स का, बट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का एक फंडामेंटल अप्रोच है जिसको इस्तेमाल करके जो हमारा जो एनवायरमेंट है उसको बचाया जा सकता है. ग्रीन केमिस्ट्री जो है इट इज़ बेस्ड ऑन 12 प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर पूरा बेस्ड है, जो हम फर्दर जाके फॉर नेक्स्ट 9 लेक्चर में जो हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे.